वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम की रंग भूमि पर महागठबंधन चुनावी चौसर बिछाने की तैयारी करने जा रही है। बता दें कि 25 फरवरी को पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनावी मोड में आने की घोषणा कर देगा। उत्तर पूर्वी बिहार में रैली के जरिए महागठबंधन पूरी ताकत झोंक देगा। इसके लिए बाकायदा रणनीति तैयार की गई है। महागठबंधन की सभी पार्टियां पूरी मुस्तैदी के साथ रैली की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि चुनावी रणनीति के हिसाब से उस क्षेत्र के जिलों को ए और बी ग्रेड में रखा गया है। ए ग्रेड के जिले किशनगंज, अररिया और पूर्णिया है, जहां महागठबंधन ज्यादा फोकस करेगा। बी ग्रेड में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा जिला है, जहां ए ग्रेड की तुलना में कम भीड़ जुटानी है या उससे कम फोकस करना है। इस इलाके में महागठबंधन विशेष राजद अपने कोर वोटर के बीच अपनी बात रखेगा, समन्वय बनाने का प्रयास भी करेगा। बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता इस रैली में मौजूद रहेंगे। विशेष बात यही होगी कि इस रैली को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। आपको बताते चलें कि फिलहाल राज्य के पूर्वी छोर से शुरू होने जा रही इस महारैली को अंतिम पड़ाव पटना में आयोजित किया जाएगा। इस रैली में महागठबंधन के सभी घटक दलों के सभी शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। राजद के प्रदेश कार्यालय में इस रैली की बड़ी तैयारियां की जा रही है। अलग अलग टीमें भी बना दी गई है। शनिवार को पूर्णिया जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई। बैठक में बिहार सरकार के पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री अफाक आलम मुख्य रूप से मौजूद थे। बैठक कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंदु सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। मंत्री आलम ने बताया कि बैठक में महारैली की सफलता को लेकर रूपरेखा तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि रैली को लेकर गांव से लेकर शहर तक बैठकों का दौर अभी भी जारी रहेगा। महागठबंधन की होने वाली रैली की सफलता को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। यादव ने कहा कि वर्ष 2024 के चुनावी जंग में केंद्र की गरीब और किसान विरोधी सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। यह चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। इसकी शुरुआत 25 फरवरी को पूर्णिया में आयोजित महागठबंधन की रैली से होगी, जिसका संदेश पूरे देश में जाएगा। रैली के इतिहास में यह रैली अभूतपूर्व होगी। रैली में पार्टी संरक्षक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शिरकत करेंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।